बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जान रैंबो और आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, मैं आज ज़रा फ्री था तो छत पे आया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। और एक वीडियो आपने देखी होगी, तकरीबन एक साल सवा साल हो गया मैंने एक पौधा लगाया था जो दरख्त बन गया है। और वो पौधा ऐसा है, उसके बारे में आज से डेढ़ दो साल पहले बहुत शोर मचा इंटरनेट पे कि बड़ा मेरिकल है, बहुत मौजज़ाती पौधा है, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, उसमें पता नहीं कितने मिनरल्स, कितने विटामिन्स हैं। तो उसको सब ने बड़े सर्च किया, लोगों ने लगाया और उसके पत्ते, उनका पाउडर लोगों ने खाना शुरू किया, उसके कैप्सूल मिलना शुरू हो गए। तो मैं वो दिखाता हूँ, वो पौधा मेरे पीछे है, ये है जी, उसको कहते हैं मोरिंगा सुहांजना, जिसे हम पंजाबी में शायद कहते हैं, उर्दू में मुझे अब याद नहीं आ रहा, या शायद उर्दू में सुहांजना ही कहते होंगे, लेकिन मैंने पंजाब में सुहांजना सुना है तो यकीनन इसे पंजाबी में सुहांजना कहते होंगे। अगर मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ तो मुझे मैसेज करके बताइएगा। अच्छा, ये देखें कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं, ये देखें पूरा पौधा। ये नीचे मैंने लगाया था तब ये दो ढाई फुट का था, और वो वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, मोरिंगा प्लांटिंग। मोरिंगा प्लांटिंग आप जाएंगे देखेंगे तो ये देखें कितना लंबा हो गया है। अभी ये देखें मुझसे भी ऊपर चला गया है। तो ये माशाल्लाह, और इसके ये पत्ते हैं, इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को पता होंगे। मैं इतना टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाह रहा, छोटी वीडियो बनाऊँगा, और जिसने नहीं देखे या नहीं पता वो इंटरनेट से पढ़ लें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 300 बीमारियों से ये बचाता है, उनको ठीक भी करता है, उनसे बचा के भी रखता है। और इसके पत्तों को, ये जो है, इनको तोड़ना है, छांव में रख के इसको सुखाना पड़ता है, और जब ये सूख जाएं तो इनका पाउडर बना के आप अपने शीशे की किसी भी बोतल में रख लें, और एक चम्मच सुबह पानी में या दही में मिक्स करके आप इसको खाएं। इसमें बेतहाशा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आपको वो जो गोली है ना वो नहीं खानी पड़ेगी, आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने लगाया, फिर एक वो कहते हैं वायरल हुआ ना जब, तो लोगों ने लगाया। मुझे भी दो महीने इंतज़ार करना पड़ा, नर्सरी से मिल नहीं रहा था, और दो महीने के बाद मुझे मेरे माली ने ला के दिया। दो तीन फिट का था उस वक्त शायद उसने, वरना तो ये 50 रुपए का पौधा नहीं था। तो जब कोई चीज़ वायरल होती है, हिट होती है, उसके बेनिफिट्स पता लगते हैं तो फिर वो महंगी हो जाती है। तो 400-500 का पौधा मुझे दिया था, तो आज सवा साल डेढ़ साल हुआ है यहाँ तक। दो दफ़ा इसके पत्ते जो हैं सुखा के हम कर चुके हैं, और ये इस वक्त बारिश हो चुकी है, रात सारी बारिश हुई है, तो मैं इनको ऐसे भी कभी कभी खा लेता हूँ। और आपको अगर दिल करे तो आप ज़रूर इसको ढूंढें कहीं, इसके पत्तों को, और खा के देखें, आपको एक अजीब सी एनर्जी सुबह सुबह आपको मिलेगी नाश्ते में इसको खाने के साथ साथ। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूँ किचन गार्डन, वो इस वक्त वीरान है क्योंकि इतनी बारिशें हुई हैं तो पानी खड़ा हो जाता था। तो अभी सिर्फ ये जो है पुदीना लगा हुआ है, अब बाकी चीज़ें लगेंगी। और मैं फिर आपको वो बिल्ली भी दिखाता हूँ जिसकी वीडियो अभी आप देख सकते हैं, तो उसको हमने पाइप में से निकाला था, सही सलामत अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे रखी थी, वो बच गया। भैया देखें कितने मज़े से आप घूम फिर रहे हैं। ये है इसकी माँ, और ये माशाल्लाह अब भाग फिर रहे हैं, हमें देख कर छुप जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी तोते, ये देखें ये तोते हैं, और ये इस वक्त खाना खा रहे हैं। ये असर का टाइम है, असर के वक्त ये खा के बैठ जाते हैं। सूरज ग़ुरूब होने के बाद कोई परिंदा कोई जानवर खाना नहीं खाता सिवाय इंसान के, क्योंकि खाने का और मैदे का जो सिस्टम है वो सूरज के साथ साथ है। अगर हम सूरज तुलू होने के साथ खाएंगे और सूरज ग़ुरूब होने से पहले हम अपना खाना खा लेंगे तो बड़े आराम से हज़म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रॉपर बॉडी को लगेगा, एनर्जी आएगी। सूरज के ग़ुरूब होने से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद कहते हैं, आप डॉक्टर भी कहते हैं कि वो नुकसानदेह होता है। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें,
सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, जान है तो जहान है जैसे कहावत है। ज़ाहिर है जी, जब सारा कुछ हो और आपको सेहत ना हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मुझे भी, मेरे घर वालों को, बच्चों को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। सुहांजना के बारे में आपको पता चल गया और आपको बहुत सारों को पता चल पहले से भी होगा। मैं तो ये खा रहा हूँ जी, मेरी बेगम भी, मैं बच्चों को भी खिलाता हूँ। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।